Hello friend, hi, this is your guide. Today we are going to discuss about this IAS Topaz magazines. ये pre-charge 2020 current affairs series है IAS prelims 2020 के लिए. ये freely available है इनके magazines. आज हम यहाँ पे environment and ecology का second part करेंगे. First part भी आया इनका website पर, but हम यहाँ पे January से लेकर April 2020 का current affairs discuss करेंगे. इनका कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर रिवीजन नोट्स है और ये आपके अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए 2020 का जो होगा उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. सो ये फ्रीली अवेलेबल है, आप एक बार इनका वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हो iastopaz.com. यहाँ पर वो सारी मैगजीन्स अवेलेबल हैं. आज हम यहाँ पे ये मैगजीन डिस्कस करेंगे. सबसे पहले कंटेंट देखते हैं, कंटेंट में क्या है. बायोडाइवर्सिटी में उसके अंडर में बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ना है हमें, सो वो कवर करेंगे आज हम. उसके बाद में क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, गवर्नमेंट इनिशिएटिव. उसके बाद में यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रीटीज़ इनिशिएटिव इश्यूज़ हैं, जियोग्राफिकल फिनोमिना प्लेसेस इन न्यूज़ हैं. सो बहुत सारे टॉपिक है, रिपोर्ट्स है, मिसलेनियस कुछ टॉपिक यहाँ पे दिए हैं. तो ये बहुत बड़ी मैगजीन है और यहाँ पे लर्न मोर भी, यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स दिए हैं. सो ये बहुत अच्छी मैगजीन लगी मुझे, सो इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ. अकॉर्डिंग टू मी ये मैगजीन्स पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे नोट्स दिए हैं, जो पॉइंट टू द पॉइंट यहाँ पे नोट्स दिए और ये बहुत हेल्पफुल रहेगा एनवायरनमेंट के लिए आपको. सो हम पढ़ते हैं, मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ यहाँ पे, शायद आपको विजिबल हो सके और आपको दिख रहा होगा ये. सो फर्स्ट पार्ट है बायोडाइवर्सिटी में रेड पांडा का. रेड पांडा ये न्यूज़ में क्यों था? एज़ पर द न्यू स्टडी, वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क ट्राफिक एंड रेड पांडा हैज़ फ्यूअर हंटर्स. मतलब अभी जो फ्यूअर हंटर है रेड पांडा के लिए, क्योंकि जो यंगर जनरेशन है, पीपल अक्रॉस द हिमालयन हैबिटेट आर लूजिंग इंटरेस्ट इन एनिमल प्रोडक्ट. एनिमल प्रोडक्ट में उनका इंटरेस्ट कम हो रहा है, इसलिए ये अभी स्टडी हुआ है. और जो ट्रैफिक करके नेटवर्क है उन्होंने बताया यहाँ पे रेड पांडा के बारे में. यहाँ पे पढ़ते हैं, रेड पांडा इज़ अ मैमल नेटिव टू द ईस्टर्न हिमालयाज एंड साउथ ईस्टर्न चाइना. सो ध्यान में रखना इनका लोकेशन, ये हिमालयाज है ईस्टर्न हिमालयाज में एंड साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द चाइना में रहते हैं. ओनली लिविंग मेम्बर ऑफ द जेनस एलोरस. इट इज़ अ स्टेट एनिमल ऑफ सिक्किम. ये स्टेट एनिमल है सिक्किम का. इट इज़ द फाउंडेड इन द इंडियाज नेपाल भूटान एंड नॉर्थन माउंटेन ऑफ द म्यांमार एंड सदर्न चाइना. सो ये कुछ एरियाज़ है, लोकेशन है, कंट्रीज़ है, इंडिया, नेपाल, भूटान, द नॉर्दर्न माउंटेन्स ऑफ म्यांमार एंड सदर्न चाइना. यहाँ पे ये मिलते हैं इनके इस कंट्री के फॉरेस्ट में ये मिलते हैं. इट थ्राइव्स द बेस्ट 2,200 to 4,800 meters इन मिक्स डिसिडियस एंड कोनीफेरस फॉरेस्ट विद द डेंस अंडर स्टोरीज ऑफ बम्बू. डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, दे आर फाउंड इन सिक्किम, वेस्टर्न अरुणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग एंड पार्ट्स ऑफ द मेघालय. ये सिक्किम, वेस्टर्न अरुणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग एंड कुछ जो मेघालय का पार्ट है वहाँ पर ये मिलते हैं इनका इंडिया में. इन इंडिया अबाउट 5,000 to 6,000 रेड पांडाज आर एस्टिमेटेड टू बी प्रेजेंट इन सिक्किम, वेस्ट अरुणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड पार्ट्स ऑफ द मेघालय. 5,000 to 6,000 पांडा अभी अवेलेबल है. दिस इज़ द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन आफ्टर चाइना. चाइना के बाद हमारे इंडिया में ही पाए जाते हैं रेड पांडा. रेड पांडा हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम 11 डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश विच इज़ प्रिज्यूम टू होल्ड द लार्जेस्ट रेड पांडा पॉपुलेशन इन द कंट्री. द थ्री मेजर नेशनल पार्क विच आर वेल नोन फॉर द रेड पांडा पॉपुलेशन आर द कंचनजंगा नेशनल पार्क, नेओरा वैली नेशनल पार्क एंड सिंगालीला नेशनल पार्क. इन थ्री मेजर नेशनल पार्क में यहाँ पे ये रेड पांडा पाए जाते हैं. इनका कंजर्वेशन स्टेटस देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. समटाइम्स फिल्म में पूछा जाता है इसका IUCN स्टेटस है. एंडेंजर कैटेगरी में आता है ये, सॉरी एंडेंजर कैटेगरी में आता है और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के स्केड्यूल 1 में आता है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना कंजर्वेशन स्टेटस. उसके बाद में वाइट रिनो के बारे में पढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है.
ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसर्चर ने कुछ क्रिएट किया है एन एम्ब्रियो ऑफ द नॉर्दर्न वाइट रेनो, नॉर्दर्न वाइट रेनो का एम्ब्रियो मतलब जिससे बेबी होता है इनको रेनोस को, राइनोस को सॉरी, बाय यूजिंग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये एक टेक्निक है या फिर प्रोसेस है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इससे एक एम्ब्रियो क्रिएट किया है यहाँ पे नॉर्दर्न वाइट रेनो का। अबाउट वाइट रेनो, इसके बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। वाइट रेनो आर द सेकंड लार्जेस्ट मैमल्स आफ्टर एलिफेंट, मतलब ये एलिफेंट के बाद, हाथी के बाद में सेकंड लार्जेस्ट लैंड मैमल है। देयर आर आल्सो नोन एज द स्क्वेयर लिप्ड राइनोसोरस एज दे हैव स्क्वेयर अपर लिप विद द ऑलमोस्ट नो हेयर। द वाइट रेनोसोरस कंसिस्ट ऑफ टू सब स्पीसीज, द सदर्न एंड द नॉर्दर्न वाइट रेनोस। दे आर फाउंड इन द टू डिफरेंट रीजन ऑफ द अफ्रीका। द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ द नॉर्दर्न वाइट रेनो इज नियर एक्सटिंक्शन। नॉर्दर्न जो रेनो है वाइट रेनो वो नियर एक्सटिंक्शन के मतलब अभी ख़त्म होने की कगार पर है। एज ऑफ ओनली टू फीमेल रेनो आर लिविंग इन केन्या, दो ही मतलब जो फीमेल रेनो राइनोज हैं वो केन्या में अवेलेबल है अभी। द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ द सदर्न वाइट रेनो इज नियर थ्रेटन अंडर IUCN लिस्ट। द मेजोरिटी ऑफ द 98.8% ऑफ द सदर्न वाइट रेनोज ओकर्स इन द जस्ट फोर कंट्रीज में पाए जाते हैं। ये कंट्रीज ध्यान में रखना, साउथ अफ्रीका, नामीबिया, जिम्बाब्वे एंड केन्या। सो ये पिक्चर में आप देख सकते हो यहाँ पे एंडेंजर राइनोसोरस ऑफ द वर्ल्ड। सो ये सुमात्रान राइनोसोर है, वाइट राइनोसोर है, बीच में ये ब्लैक राइनोसोर है, ये जावा राइनोसोर है और ये इंडियन राइनोसोर है जहाँ से हम वगैरह में पाए जाते हैं। सो ये आप थोड़ा आइडेंटिफाई करने के लिए थोड़ा देख सकते हो उनका स्ट्रक्चर वगैरह कैसा है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो उससे। टाइप्स ऑफ द राइनोज एंड देयर करंट पॉपुलेशन, सो उनका करंट पॉपुलेशन एंड उनके टाइप्स यहाँ पे बताए। ब्लैक और हुक लिप राइनोसोर इट इज़ फाउंड इन द अफ्रीका विच इज़ टू एंड इज़ फाइटिंग फॉर द सर्वाइवल, एटलीस्ट थ्री ऑफ हूज सब स्पीसीज आर ऑलरेडी एक्सटिंक। द इंडियन राइनोसोर इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अफ्रीकन राइनोसोरस मोस्ट प्रोमिनेंटली इन दैट इट हैज़ बीन ओनली वन हॉर्न। इट हैज़ बीन लिस्टेड इन द साइट अपेंडिक्स वन सिंस 1975 एंड द IUCN कंजर्वेशन स्टेटस इज वल्नरेबल। देर इज ऑल्सो अ जावन राइनो विच टू हैज़ अ वन हॉर्न एंड अ सुमात्रान राइनो विच इज़ लाइक द अफ्रीकन राइनोज हैज़ टू हॉर्न। सो सुमात्रान जावा का वन हॉर्न होता है और सुमात्रान जो राइनो होते हैं उन्हें दो हॉर्न होते हैं जो नाक पे होता है, ऐसा दिया पे दिया है, दो हॉर्न है। उसके बाद में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये IVF क्या है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन वेयर एन डोनर एग इज कम्बाइंड विद द स्पर्म आउटसाइड द बॉडी इन विट्रो इन ग्लास, मतलब ये डोनर एग होता है उसे कंबाइन करते हैं विद द स्पर्म आउटसाइड द बॉडी इन विट्रो मतलब एक ग्लास में। इट इज़ द मोस्ट कॉमन एंड इफेक्टिव टाइप ऑफ द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी विच इज़ यूज टू ट्रीट इनफर्टिलिटी, मतलब जो इनफर्टिलिटी होती है उन्हें बच्चा पैदा नहीं होता है, इसके लिए ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ये टेक्निक ये प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। अर्बन बेंटो गेको, अब गेको क्या होता है, ये चिपकली का एक टाइप है और ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि न्यू स्पीसीज ऑफ लिजार्ड द अर्बन बेंट टोड गेको, इसका साइंटिफिक नेम है कीटो डैक्टिलस अर्बनस। ये इतना पूछा नहीं जाता बट एक ध्यान में रखना फॉर योर नॉलेज पर्पस। हैज़ बीन फाउंड इन द गुवाहाटी द लार्जेस्ट सिटी इन द नॉर्थ ईस्ट में पाया गया है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पीसीज, इसका स्पेशलिटी क्या है, इट इज़ द डिफरेंट इन मोलिकुलर स्ट्रक्चर ब्लॉच एंड कलर फ्रॉम द साइटोडैक्टिलस गुवाहाटनीज और द गुवाहाटी बेंट टोड गेको दैट वॉज डिस्कवर्ड 2 years ago। सो ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन आप ध्यान में रखना क्या है एग्जैक्टली आई डोंट नो। Until now, all bent toe geckos in the northeast India were thought to be a single species. Though the urban bent toe gecko falls within the Cassinis
chitinensis group. It differs from the other members of this group in the aspects of morphology, such as the number and arrange of certain pores in males. Key fact: Guwahati provides that the edge of the urban biodiversity to thrive because it encompasses the 18 hills, 8 reserve forest, 2 wildlife sanctuaries and Ramsar site wetland beside the Brahmaputra river. उसके बाद में हमारे नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन वल्चर के बारे में पढ़ते हैं हम यहाँ पे. ये न्यूज़ में था क्योंकि एक यूनिक रेस्टोरेंट हिमाचल प्रदेश में ये अट्रैक्शन का केंद्र बना हुआ है ऑफ द लोकल पॉपुलस, मतलब जो वहाँ पे लोकल पॉपुलेशन है उन्होंने, फॉर कंजर्विंग द सेवरल स्पीसीज ऑफ वल्चर, मतलब वल्चर का इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए कंजर्व करने के लिए एक रेस्टोरेंट यहाँ पे ओपन किया हिमाचल प्रदेश में. सो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाइल्ड लाइफ विंग विच ऑपरेट्स इट अलाउज टू द लोकल पॉपुलेशन टू ब्रिंग देयर डेड पेट्स एंड लाइव स्टॉक एज अ फूड और वल्चर. इंडियन वल्चर के बारे में यहाँ पे दिया है उसे जिप्स इंडिकस भी बोलते हैं, साइंटिफिक नेम है. इज एन ओल्ड वर्ल्ड वल्चर नेटिव टू इंडिया, पाकिस्तान एंड नेपाल. ये 3 कंट्री में पाए जाते हैं. द पॉपुलेशन ऑफ द वल्चर हैव सेवियरली डिक्लाइन ड्यू टू द किडनी फेलर कॉज बाय डाइक्लोफेनक, अ ड्रग पॉइजनिंग. एक डाइक्लोफेनक नाम का एक ड्रग होता है, दवाई होती है, उसकी वजह से उन्हें किडनी फेलर होता है, मतलब जो खाते हैं ईट करते हैं सो इसलिए उनकी पॉपुलेशन थोड़ा कम हो रहा है. सो IUCN स्टेटस क्या है ये इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है. टू नो मोर अबाउट द वल्चर रेफर्स यहाँ पे दिया है उन्होंने पार्ट वन में, हम जब मैगजीन डिस्कस करेंगे पार्ट वन का, अभी तो फिलहाल पार्ट टू डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये जनवरी से लेकर अप्रैल, मतलब रिसेंट मैगजीन है, दैट्स वाई हम ये पहले कर रहे हैं, उसके बाद में हम पार्ट वन करेंगे जो कि जून से लेकर फरवरी तक है, सॉरी दिसंबर तक है. उसके बाद में यहाँ पे हिमालयन आइबेक्स के बारे में दिया है. हिमालयन आइबेक्स ये अभी न्यूज़ में था क्योंकि ये रिसेंट स्टडी हुआ है कंडक्टेड बाय द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. उन्होंने प्रूव किया है दैट द हिमालयन आइबेक्स इज़ अ डिस्टिंक्ट स्पीसीज फ्रॉम द साइबेरियन आइबेक्स. इस स्टडी में क्या फाइंड किया गया है, साइबेरियन आइबेक्स वॉज एस्टिमेटेड टू हैव द डाइवर्ज फ्रॉम द अल्पाइन आइबेक्स ड्यूरिंग द प्लिस्टोइन इपोक. ये एक ईरा है, ड्यूरेशन है यहाँ पे 2.4 मिलियन ईयर्स है गो, ये रादर दैन द ड्यूरिंग द मायोसिन प्लियोसिन बाउंड्री 6.6 मिलियन ईयर्स अगो. सो इसके बाद में यहाँ पे बोला है उन्होंने, साइंटिस्ट ने प्रज्यूम किया है दैट द माउंटेन सिस्टम फॉर्म बाय द सीरीज ऑफ द क्लाइमेटिक ऑस्किलेशन एंड द टेम्पोरल टोपोग्राफिक मेटामॉर्फोसिस हैव ब्रोकन अप द कॉन्टिगियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पीसीज एज एन एस्कलेटेड एलोपैट्रिक स्पेशलाइजेशन. द स्पेशिएशन बिकॉज ऑफ द जियोग्राफिक एंड द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. स्टडी में रिवील हुआ है कि साइबेरियन आइबेक्स इज अ पॉलीटाइपिक स्पीसीज है, कंटेन्स टू और मोर सब स्पीसीज, पॉसिबली फॉर्म बाय द लंपिंग ऑफ द एटलीस्ट 2 स्पीसीज एंड 3-4 सब स्पीसीज. स्टडी में और पाया गया है कि नेशनल मिशन ऑन द हिमालयन स्टडीज इसके थ्रू यहाँ पे फंड होता है ये स्टडी को, इसका स्टडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज़ ये फंड प्रोवाइड करता है. उसके बाद में साइबेरियन आइबेक्स के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं हम. साइबेरियन आइबेक्स कैपरा सिब्रिका इज द स्पीसीज ऑफ वाइल्ड गोट, एक स्पीसीज है वाइल्ड गोट का, यहाँ पे देखना पिक्चर में. डिस्ट्रीब्यूशन इन डाइवर्स हैबिटेट्स रेंजिंग फ्रॉम द कोल्ड डिजर्ट रॉकी आउटक्रॉप्स स्टीप टेरेन हाई लैंड फ्लैट्स एंड माउंटेन रेंजेस टू लो माउंटेन एंड अ फुट हिल. सो ये इसका लोकेशन दिया है, ये मतलब कहाँ पाए जाते हैं माउंटेन्स और जहाँ पे लो टेम्परेचर होता है एंड लो माउंटेन हिल्स वगैरह होते हैं यहाँ पे पाए जाते हैं कोल्ड डिजर्ट में पाए जाते हैं. रॉकी आउटक्रॉप्स वहाँ पे होते हैं, स्टीप टेरेन होते हैं, हाई लैंड होता है, फ्लैट्स माउंटेन रिजेस और जो फुट हिल्स होते हैं माउंटेन्स के वहाँ पर ये पाए जाते हैं साइबेरियन आइबेक्स.
इन एशिया आइबेक्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द माउंटेन हैबिटेट रेंजिंग द इन द एलिवेशन ऑफ 500 मीटर टू 6,700 मीटर इन द कंट्रीज लाइक इंडिया कजाकिस्तान ताजिकिस्तान मंगोलिया पाकिस्तान सदर्न साइबेरिया इन चाइना। सो ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि समटाइम्स सेंटेंस फॉर्मेट में हमें पूछ लिया जाता है कि ये इन कंट्री में नहीं मिलता है या फिर इंडिया में ही मिलता है ओनली। सो आप अगर आपने पढ़ा होगा सो आप बता सकते हो कि ये इंडिया के अलावा बहुत सारी कंट्रीज में पाई जाती है आइबेक्स। इन इंडिया द आइबेक्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड मेनली इन द ट्रांस हिमालय रेंजेस, ट्रांस हिमालय रेंजेस में पाई जाती है ऐसे यहाँ पे। सो अगर आपको बोल दे कि ये वेस्टर्न घाट में या फिर ईस्टर्न घाट में मिलते हैं तो वो रॉन्ग हो जाएगा। सो ऐसे मतलब क्वेश्चन प्रीलिम्स में सेट किए जाते हैं। उसके बाद में ये ट्रांस हिमालय रेंजेस ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ द लद्दाख जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश अप टू द रिवर सतलज आई सी इंस्टीट्यूट का इसका ये लिस्ट कंसर्न है, ये ध्यान में रखना। उसके बाद में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में यहाँ पे पूछा है, ये बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, एस्टेब्लिश हुई थी 1916। जियोलॉजिकल सर्वे हैज़ इट्स जेनेसिस इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द जियोलॉजिकल सेक्शन ऑफ द इंडियन म्यूजियम एट कलकत्ता इन 1875। हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में। और उसके बाद में इट्स फंक्शन क्या है, इसके अंडर द मिनिस्ट्री, ये किसके अंडर में काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में ये काम करता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इट एक्ट्स एज द प्रीमियर इंडियन ऑर्गेनाइजेशन इन द जियोलॉजिकल रिसर्च स्टडीज टू प्रमोट द सर्वे एक्सप्लोरेशन रिसर्च ऑफ द फौना इन द कंट्री। पब्लिकेशंस क्या क्या करता है, ये सर्वे ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीसीज, फौना ऑफ इंडिया, फॉर्मली फौना फौना ऑफ ब्रिटिश इंडिया, प्राणी जगत इन हिंदी, रिकॉर्ड ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फॉर्मली रिकॉर्ड ऑफ द इंडियन म्यूजिक। सो ऐसे बहुत सारे पब्लिकेशन ये प्रोड्यूस करता है। उसके बाद में हीरोन्स, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हीरोन्स, ये न्यूज़ में था क्योंकि सेवरल ब्लू हीरोन्स वेर स्पॉटेड डेड इन केरला। सो ये हीरोन्स क्या होते हैं, एक लॉन्ग लेग्ड फ्रेश वाटर एंड कोस्टल बर्ड है इन द फैमिली ऑफ एरिडाइडी, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं पता मुझे, आरडीडाइडी ऐसा कुछ है, विद द 64 ग्लोबली रिकॉग्नाइज स्पीसीज। द हीरोन्स आर मीडियम टू लार्ज साइज बर्ड्स विद लॉन्ग लेग एंड नेक्स, इनका नेक गर्दन भी बड़ी होती है और इनके लेग्स भी बड़े होते हैं, सो ऐसा कुछ यहाँ पे दिया है। सो दे एग्जिबिट वेरी लिटल सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इन साइज। इंडियन पॉन्ड हीरोन्स, इंडियन पॉन्ड हीरोन के बारे में यहाँ पे दिया है, ये पॉन्ड हीरोन और पैडी बर्ड इज द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ हीरोन फाउंड इन इंडिया। इट इज़ द ओल्ड वर्ल्ड ओरिजिन ब्रीडिंग इन द सदर्न ईरान एंड ईस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट बर्मा एंड श्रीलंका, यहाँ पे ये पाए जाते हैं। दे हैव अडोप्टेड डेमसेल टू लिव अलॉन्ग साइड द ह्यूमन कैन बी सीन बोथ इन द विल्डरनेस एंड इन पॉन्ड्स लेक विद इन अर्बन एरियाज। हाइसिन स्टेटस क्या है, लिस्ट कंसर्न है इनका, हाइसिन स्टेटस लिस्ट कंसर्न है। वाइट जिराफ के बारे में यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये न्यूज़ में था क्योंकि पोचर्ड हैव किल्ड टू एक्सट्रीमली रेयर वाइल्ड जिराफ को, यहाँ पे इन्होंने नॉर्थ ईस्ट केन्या, यहाँ पे ओनली वन सच एनिमल इन द वर्ल्ड, यहाँ पे अभी एक ही बचा है। सो ये दो मारे गए थे रेयर वाइल्ड जिराफ। उसके बाद में यहाँ पे ओनली वन सच एनिमल इन द वर्ल्ड ये पाया गया है। और अबाउट वाइट जिराफ के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं, फर्स्ट स्पॉटेड इन 2016, द वाइट अपीयरेंस ऑफ द जिराफ इज़ ड्यू टू ल्यूसिज्म, मतलब ये ल्यूसिज्म की वजह से इनका ये वाइट अपीयरेंस होता है। अ जेनेटिक कंडीशन दैट कॉजेज द स्किन सेल टू हैव नो पिगमेंट, ये जेनेटिक कंडीशन होती है, मतलब स्किन सेल में वो पिगमेंटेशन नहीं पाया जाता है, इसकी वजह से उनका ऐसा वाइट अपीयरेंस हो जाता है। ल्यूसिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम अल्बिनिज्म वेयर नो मेलानिन इज प्रोड्यूस एट ऑल, वाइल मेलानिन इज अ डार्क बायोलॉजिकल पिगमेंट फाउंड इन स्किन हेयर फीदर स्केल आई सम इंटरनल मेम्ब्रेन्स। सो मेलानिन की कमी की वजह से ऐसा होता है, जैसे फॉरेनर्स लोग होते हैं उनमें मेलानिन कम होता है, सो उनका स्किन थोड़ा रेडिश दिखता है। हमारे इसमें इंडियन जो ये है रेस है उनमें कैसा होता है कि मेलानिन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, थोड़े सांवले होते हैं गेहुआ उनका ये होता है, सो ऐसे दिखते हैं ये।
इंक्रीज इन नंबर ऑफ द सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। सो इंक्रीज हुआ है यहाँ पे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल में। ये एनुअल रिप्टाइल सेंसस 2020 में पाया गया कि अभी 2020 में यहाँ पे इनका सेंसस हुआ था, इंक्रीज हुआ है नंबर ऑफ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल इन ओडिशा भितरकनिका नेशनल पार्क में। सो ये न्यूज़ में था अभी भितरकनिका नेशनल पार्क, इट इज़ लोकेटेड इन द केंद्रपारा डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा और ये डिजिग्नेटेड एज अ नेशनल पार्क 1998 को नेशनल पार्क घोषित किया गया था। उसके बाद में इट होस्ट मेनी मैंग्रोव स्पीसीज एंड इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इन द इकोसिस्टम इन इंडिया। इट इज़ आल्सो बीन डिजिग्नेटेड एज द सेकंड रामसर साइट ऑफ ओडिशा इन 2002 आफ्टर द चिल्का लेक। रामसर साइट भी है ये आफ्टर चिल्का लेक इन ओडिशा 2002 के बाद में यहाँ पे किया है। इट इज़ सराउंडेड बाय द भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। द नेशनल पार्क एंड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन एडुएटेड बाय द रिवर्स ब्राह्मणी, भितरकनिका, धर्मा, पथशाला। ये ध्यान में रखना रिवर्स। उसके बाद में हम गहिर माता बीच एंड द मराइन सेंचुरी आर टू द ईस्ट सेपरेटेड सेपरेटिंग स्वैम्प रीजन मैंग्रोव फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। द नेशनल पार्क इज होम टू सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, इंडियन पाइथन, किंग कोबरा, ब्लैक इबिस, डार्टर, मेनी अदर स्पीसीज ऑफ फ्लोरा फना। यहाँ पे ये इनका होम है, मतलब यहाँ पे पाए जाते हैं सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, इंडियन पाइथन, किंग कोबरा, ब्लैक इबिस एंड उसके बाद में डार्टर एंड मेनी अदर स्पीसीज यहाँ पे पाए जाते हैं। थ्री स्पीसीज ऑफ क्रोकोडिलियंस यहाँ पे देर आर थ्री स्पीसीज ऑफ क्रोकोडिलियंस के बारे में हम पढ़ते हैं। मगर होता है, घाघर घारियाल होता है एंड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल होता है। सो एक्स्ट्रा फैक्ट दिए यहाँ पे, मगर क्रोकोडाइल आल्सो कॉल्ड एज ए इंडियन क्रोकोडाइल और मार्श क्रोकोडाइल भी बोलते हैं इसे। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही पाया जाता है, पूरे मतलब थ्रू आउट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट जहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान वगैरह, पूरा म्यांमार वगैरह सभी आते हैं और आसपास के सभी देश। मगर इज़ अ मेनली फ्रेश वाटर स्पीसीज। ये फ्रेश वाटर स्पीसीज है मगर, मतलब स्वच्छ पानी में ही पाए जाते हैं ये। फाउंड इन लेक्स, रिवर्स, मार्शेस। इनका IUCN स्टेटस क्या है, वल्नरेबल है। और उसके बाद में घड़ियाल पे आते हैं हम। यहाँ पे घड़ियाल के बारे में क्या कहा गया है, यहाँ पे घड़ियाल और फिश ईटिंग क्रोकोडाइल, इन्हें फिश ईटिंग क्रोकोडाइल भी बोलते हैं, इज अ नेटिव टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। स्मॉल रिलीज पॉपुलेशन आर प्रेजेंट एंड इंक्रीजिंग इन द रिवर्स ऑफ द नेशनल चंबल सेंचुरी, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोन रिवर सेंचुरी एंड द रेन फॉरेस्ट बायोम ऑफ द महानदी इन द सतकोशिया जॉर्ज सेंचुरी ओडिशा। इनका आईयूसीएन स्टेटस है एंडेंजर है ये भी, सॉरी ये इंडेंजर है और ये मगर वल्नरेबल है। और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल लिविंग रिप्टाइल, मतलब ये रिप्टाइल में सबसे बड़े पाए जाते हैं। इट इज़ फाउंड थ्रू आउट द ईस्ट कोस्ट ऑफ द इंडिया, जो ईस्ट कोस्ट है यहाँ पे ये पाए जाते हैं इंडिया में। उसके बाद में इनका आईयूसीएन स्टेटस है लिस्ट कंसर्न है, ये ध्यान में रखना तीनों का। थोड़ा आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो मगर, घड़ियाल और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के बीच में। ये आईयूसीएन स्टेटस इनका डिफरेंट है हर एक का। चाइनीज पेडल फिश डिक्लेयर एक्सटिंक्ट, सो मतलब ये अभी विलुप्त हो चुकी है। चाइनीज पेडल फिश, इसे पेपरस ग्लैडियस ये भी बोलते हैं, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, नेटिव टू द यांगजे रिवर, ये यांगजे रिवर में ही पाई जाती है, चाइना की रिवर है। हैज़ बीन डिक्लेयर एक्सटिंग बाय द चाइनीज साइंटिस्ट, इट इज़ थॉट टू हैव बिकम द फंक्शनली एक्सटिंग, देर आर नो ब्रीडिंग पेयर्स लेफ्ट इन 1993। द रीज़न ऑफ फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ द पेडल फिश आर सेड टू बी ओवर फिशिंग एंड हैबिटेट लॉस। ये रीज़न दिए गए यहाँ पे ओवर फिशिंग एंड हैबिटेट लॉस। यांगजे रिवर विच मीन्स चाइल्ड ऑफ द ओशन, इस रिवर का नाम है ऐसा बोलते हैं इसे, इज़ अ रिवर लोकेटेड इन चाइना। इट राइजेस इन द नदर्न पार्ट ऑफ द तिबेटन प्लाटू एंड फ्लोज टू द ईस्ट चाइना सी। इट ड्रेनेज बेसिन कंप्राइज ऑफ 1/5 ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द चाइना, पूरा चाइना कवर करता है। होम टू नियरली 1/3 ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। यांगजे रिवर लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया, थर्ड लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड टू फ्लो एंटायरली विद इन वन कंट्री, सिक्स्थ लार्जेस्ट रिवर बाय द डिस्चार्ज वॉल्यूम इन द वर्ल्ड। सो ये कुछ यांगजे रिवर के बारे में फैक्ट था। की फैक्ट क्या है, टू अदर नोटेबल यांगजे स्पीसीज रेविस शैड टाइप ऑफ फिश एंड द बाइजी यांगजे रिवर डॉल्फिन वेयर डिक्लेयर फंक्शनली एक्सटिंक्ट इन 2015 एंड 2006 रिस्पेक्टिवली।
सेना स्पेक्टाबिलिस के बारे में हम पढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ये न्यूज़ में था कि केरला फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट इज़ प्लानिंग टू अडॉप्ट स्टेप्स टू अरेस्ट द रैम्पेंट ग्रोथ ऑफ द इनवेजिव प्लांट है ये सेना स्पेक्टाबिलिस, स्पेशली सेना स्पेक्टाबिलिस इन द फॉरेस्ट एरियाज ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इंक्लूडिंग द वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाई दिस मूव, मतलब अभी ये ऐसा मूव क्यों मतलब इन्होंने उठाया है यहाँ पे, क्योंकि ये वाइल्ड इकोसिस्टम मार्शी लैंड ऑफ द फॉरेस्ट एरियाज नाउ हैज़ दिस प्लांट इज इन लार्ज नंबर, अभी बहुत ज़्यादा मात्रा में ये ग्रो हो रहे हैं। द एली म्यूटेशन ऑफ द जीन केमिकल्स प्रोड्यूस बाई दिस प्लांट एडवर्सली अफेक्ट द जर्मिनेशन ऑफ एंड ग्रोथ ऑफ द नेटिव स्पीसीज। अबाउट सेना स्पेक्टेबलिस इसके बारे में हम पढ़ते हैं, इट इज़ द प्लांट स्पीसीज नेटिव टू द साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका से आए ये, और दे आर ऑफन ग्रोन एज एन ऑर्नामेंटल ट्रीज इन द गार्डन बिल्डिंग एट्सेट्रा टू देयर ब्राइट येलो फ्लावर्स डैट ब्लूम्स ड्यूरिंग द समर मंथ। नीलगिरी बायोस्फीयर के बारे में पढ़ते हैं हम यहाँ पे, इट इज़ एन इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व इन द वेस्टर्न घाट। नीलगिरी हिल्स रेंजेस ऑफ साउथ इंडिया। इट वॉज कॉन्स्टिट्यूट एज अ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बाय द यूनेस्को इन 1986 अंडर द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। इट इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बायोस्फीयर रिजर्व विथ अ हेरिटेज रिच एंड फ्लोरा एंड फोना। द नीलगिरी सब क्लस्टर इज अ पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट विच वॉज डिक्लेयर अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय द यूनेस्को इन 2012। सो इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया बाई यूनेस्को ने 2012 में। उसके बाद में इट इंक्लूड्स द अरालाम, मधुमलाई, मुकुर्ती नागरहोल, बंदीपुर एंड सालियंट वैली नेशनल पार्क। अरालाम, मधुमलाई, मुकुर्ती, नागरहोल, बंदीपुर, साइलेंट वैली नेशनल पार्क एज वेल एज द वायनाड एंड सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो ये पूरा कवर करता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। इट इज़ होम टू द नेटिव ट्राइबल ग्रुप लाइक टोडास, कोटास, इरुलास, कुरुम्बास, पानियास, अधियांस, एडानादन, चेटीज, अलार एंड मल्लयान। सो ये ट्राइब के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये नेटिव ट्राइब है यहाँ पे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हम पढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। एस्टेब्लिश इन 1973 में हुआ था ये, सेकंड लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है केरला का। इट इज़ बाउंडेड बाय द प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ नेटवर्क नागरहोल एंड बंडीपुर ऑफ कर्नाटका इन द नॉर्थ ईस्ट एंड ऑन द साउथ ईस्ट बाय द मुदीमलाई ऑफ तमिलनाडु। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। इट वॉज फॉर्म दिस सेंचुरी द पजहासी राजा फॉट वैलियंटली अगेंस्ट द ब्रिटिश। इट कम्स अंडर द प्रोजेक्ट एलिफेंट jurisdiction in 1992 to protect the wild elephant population. Red Crown Roof Turtle के बारे में पढ़ते हैं हम, Red Crown Roof Turtle। सो ये अभी ये न्यूज़ में था, एक मिनट या सो मैं थोड़ा यहाँ पे इसे आपको विजिबल हो रहा होगा, Red Crown Roof Turtle। सो आप ये ध्यान में रखना, यहाँ पे ये पिक्चर थोड़ा रेडिश है यहाँ पे, क्राउन की तरह टर्टल है कछुआ। आल्सो नोन एज अ बंगाल रूप टर्टल, इसे बंगाल रूप टर्टल भी बोलते हैं। इट इज़ वन ऑफ द 24 स्पीसीज एंडेमिक टू द इंडिया। इट इज़ फ्रेश वाटर टर्टल स्पीसीज फाउंड इन द डीप फ्लोइंग रिवर विद द टेरेस्ट्रियल नेस्टिंग साइट। इट इज़ नेटिव टू द इंडिया, बांग्लादेश एंड नेपाल, यहाँ पे ये पाए जाते हैं तीन कंट्री में। हिस्टोरिकली द स्पीसीज वॉज वाइड स्प्रेड इन द गंगा रिवर बोथ इन इंडिया एंड बांग्लादेश। इट ऑल्सो ऑकर्स इन ब्रह्मपुत्र बेसिन। करंटली इन इंडिया द नेशनल चंबल रिवर घरियाल सेंचुरी इज द ओनली एरिया विथ अ सब्सटेंशियल पॉपुलेशन ऑफ द स्पीसीज। कंजर्वेशन स्टेटस क्या है इसका, आईयूसीएन रेड लिस्ट में, क्रिटिकली एंडेंजर्ड में कैटेगरी में पाए जाते हैं। साइट्स में अपेंडिक्स टू में आते हैं, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, या शेड्यूल वन में आते हैं, ध्यान में रखना, रेड क्राउन ट्रूप टर्टल। उसके बाद में स्टेपी ईगल के बारे में पढ़ते हैं हम यहाँ पे, ये न्यूज़ में था क्योंकि ये आंध्र प्रदेश में पाए गए स्टेपी ईगल, ये देखना आप पिक्चर में। ये बिलीव टू बी द सेकंड लार्जेस्ट माइग्रेटरी ईगल है स्पीसीज टू द इंडिया में घूमकर पूरे आते हैं ये। लाइक ऑल ईगल्स इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ एसीपिट्राइडी।
सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, आप इसका प्रोनाउंसिएशन अपने तरीके से पढ़ सकते हो इसे। इन विंटर द स्टेपी ईगल ब्रीड इन रशिया, कजाकिस्तान एंड मंगोलिया। सो ये विंटर में यहाँ पे होते हैं। इट अपीयर्स ऑन द फ्लैग ऑफ द कजाकिस्तान, इट इज़ आल्सो द नेशनल बर्ड ऑफ एनिमल ऑफ इजिप्त, इजिप्ट का ये नेशनल एनिमल बर्ड है, सॉरी, एंड अपीयर्स ऑन इट्स फ्लैग, उनके फ्लैग पर भी आता है ये स्टेपी ईगल। इट ब्रीड्स फ्रॉम द रोमानिया ईस्ट थ्रू द साउथ रशियन एंड द सेंट्रल एशियन स्टेप्स टू द मंगोलिया, द यूरोपियन एंड द सेंट्रल एशियन बर्ड विंटर इन अफ्रीका एंड द ईस्टर्न बर्ड इन इंडिया। द बर्ड इनहेबिटेट्स एरिया ऑफ द स्टेपी एंड द सेमी डेजर्ट एंड एरियाज अप टू 2300 मीटर इन द माउंटेन्स माउंटेनियस रीजन्स। आईयूसीएन स्टेटस क्या है इसका? एंडेंजर्ड है, ध्यान में रखना, स्टेपी ईगल का। लॉन्ग टेल मॉस्क इसका प्रोनाउंसिएशन है मैक्यूस के बारे में यहाँ पे, लॉन्ग टेल मैक्यूस। ये मंकी है, मंकी की प्रजाति है। इन्होंने यहाँ पे एक स्टडी में पाया गया कि लॉन्ग टेल मैक्यूज इन द ग्रेटर निकोबार आइलैंड हैंडल ऑब्जेक्ट एंड यूज टूल टू सिंप्लीफाई देयर एफर्ट। अभी न्यू स्टडी क्या पाई है यहाँ पे, द रिसर्चर्स ऑब्जर्व दैट द मेल्स वेयर मोर फ्रिक्वेंटली इन्वॉल्व इन द टूल यूज दैन फीमेल्स। दिस बायस नेचर ऑफ द टूल यूज कुड बी ड्यू टू द मेनी रीजन, इट हैज़ बीन हाइपोथेसाइज दैट द वेट ऑन वेट ऑफ द इंडिविजुअल हैज समथिंग टू डू विद द टूल कल्चर। लॉन्ग टेल मक्की के बारे में यहाँ पे दिया है। आल्सो नोन एज अ क्रैब ईटिंग मैक्यू बोलते हैं, इज नेटिव टू द साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में यहाँ पे पाए जाते हैं, नेटिव है वहाँ के। इट इज़ नोन एज द साइनोमोलगस मंकी इन द लेबोरेटरी सेटिंग। मेल आर कंसिडरेबली लार्जर दैन फीमेल्स, द टेल इज लार्जर लॉन्गर दैन बॉडी, मतलब शरीर से भी बड़ी उनकी पूंछ होती है। विच इज यूज फॉर द बैलेंस व्हेन दे जंप, दे आर नोन एज अ इनवेजिव स्पीसीज एंड थ्रेट टू द बायोडाइवर्सिटी इन सेवरल लोकेशन इंक्लूडिंग हांगकॉन्ग एंड वेस्टर्न न्यू गिनिया। दिस प्राइमेट्स आर एक्सट्रीमली अडेप्टेबल एंड कैन थ्राइव इन अ वाइड वेराइटी कंडीशन। सम एग्जाम्पल इंक्लूड कोस्टल फॉरेस्ट मिक्स्ड मैंग्रोव स्वैम, फ्रेश वाटर स्वैम एट्सेट्रा। कंजर्वेशन स्टेटस इनका लिस्ट कंसर्न है एंड कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर स्पीसीज ऑफ द वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना एंड फ्लोरा साइट में इनका अपेंडिक्स 2 में आते हैं ये। सो यहाँ पे ये इमेज में यहाँ पे दिया है, आप एक बार ये पॉज करके पढ़ सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है यहाँ पे। उसके बाद में हम आते हैं ओपिकथस। इसका मुझे प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्ट नहीं पता, ये थोड़ा मैं कभी पढ़ भी नहीं पाऊँगा ये प्रोनाउंसिएशन कैसे आता है इसका, बट हाँ अगर आपको पता होगा तो कमेंट मुझे कर लेना नीचे कमेंट सेक्शन में। सेकंड पार्ट पढ़ सकता हूँ मैं यहाँ पे, कैलाश चंद्राई। सो ये स्नैक की स्पीसीज़ है, अ न्यू स्नैक इल स्पीसीज़ रिसाइडिंग इन द बे ऑफ बंगाल हैज़ बीन डिस्कवर्ड बाय द एस्चुरियन बायोलॉजिकल रिजर्व रीजनल सेंटर EBRC ऑफ द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एट गोपालपुर ऑन द सी इन ओडिशा। इट हैज़ बीन नेम्ड ओपिकथस कैलाश चंद्राई टू हॉनर द वास्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर कैलाश चंद्र के नाम पे, इनका जो डायरेक्टर थे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, टू द इंडियन एनिमल टॉक्सोनॉमी। द रिसेंट डिस्कवरी इज द 8 स्पीसीज ऑफ इट्स जीनस फाउंड ऑन द इंडियन कोस्ट। द ईल इज अराउंड 420 मिलीमीटर टू 462 मिलीमीटर इन लेंथ एंड लिव्स एट डेप्थ ऑफ अराउंड 50 मीटर्स इन द सी। दे आर लाइट ब्राउन इन कलर विथ वाइट फिन्स एंड देयर बॉडीज आर स्लिमी बट नॉट पॉइजनस। द ईल फीड्स ऑन स्मॉल फिश एंड क्रैब्स, ये स्मॉल फिश और क्रैब खाते हैं। SC अलाउज इंट्रोडक्शन ऑफ द अफ्रीकन चीता इन इंडिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अभी अलाउ कर दिया है, मतलब यहाँ पे हम चीता को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इंडिया में। सो ये अभी री इंट्रोडक्शन का सोच रहे थे ऑफ दिस स्पीसीज, चीता हमारे इंडिया में लाने की सोच रहे थे। सो उसी के बारे में यहाँ पे दिया है, चीता के बारे में हम पढ़ते। इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिग कैट स्पीसीज, ये बिग कैट स्पीसीज का ये टाइप है। द विथ एंसेस्टर दैट कैन बी ट्रेस बैक मोर देन द 5 मिलियंस ईयर्स टू द
मायोसिन इरा। द चीता इज़ ऑल्सो द वर्ल्ड फास्टेस्ट लैंड मैमल है ये, एन आइकॉन ऑफ द नेचर। द चीता इज़ नोन फॉर बींग द एक्सलेंट हंटर है। इंडिया लास्ट स्पॉटेड फिन डाइड, छत्तीसगढ़ 1947 में लास्ट मारा गया था इसे। लेटर चीता वॉज डिक्लेयर एक्सटिंक, मतलब इसे विलुप्त घोषित कर दिया 1952 में। उसके बाद से चीता हमारे नहीं, इंडिया में नहीं है। एशियाटिक चीता इस क्लासीफाइड एज ए क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज में टाइप इसमें आता है, ये कैटेगरी में आता है एशियाटिक चीता। एंड इसका IUCN रेड लिस्ट, बाय द IUCN रेड लिस्ट ने ये कैटेगरी घोषित किया यहाँ पे इसे। इज बिलीव टू सर्वाइव ओनली इन ईरान, ईरान में पाया जाता है। इसका IUCN स्टेटस है वल्नरेबल। एंड थ्रेट आर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉम्प्लेक्ट, लॉस ऑफ हैबिटेट एंड लॉस ऑफ प्रेज एंड इलीगल ट्राफिकिंग हैव डेसिमेटेड डेयर नंबर्स। उसकी वजह से ये इसका पॉपुलेशन कम हुआ है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन और कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक स्टैचुएटरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, कॉन्स्टिट्यूट अंडर द एनेबलिंग प्रोविजन ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एज अमेंडेड इन 2006 फॉर स्ट्रेंथनिंग द टाइगर कंजर्वेशन एज पर द पावर्स एंड फंक्शंस असाइन टू इट्स अंडर द सेड एक्ट। इट वॉज एस्टेब्लिशिंग द फॉलोइंग रिकमेंडेशन ऑफ द टाइगर टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट बाई द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऑब्जेक्टिव है इसके कुछ, प्रोवाइडिंग द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी टू प्रोजेक्ट टाइगर सो दैट द कॉम्प्लायंस ऑफ इट्स डायरेक्टिव बिकम लीगल, फोस्टरिंग अकाउंटेबिलिटी सेंटर स्टेट मैनेजमेंट ऑफ टाइगर रिजर्व बाई प्रोवाइडिंग द बेसिस ऑफ MOUs विद द स्टेट विद इन ओवर फेडरल स्ट्रक्चर, प्रोवाइडिंग फॉर एन ओवरसाइट बाई पार्लियामेंट, एड्रेसिंग लाइवलीहुड इंटरेस्ट ऑफ द लोकल पीपल इन द एरियाज सराउंडिंग टाइगर रिजर्व। नौरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी अभी न्यूज़ में था, लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश का। इट इज़ सिलेक्टेड फॉर द चीता री इंट्रोडक्शन, मतलब इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में चीता को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। इट इज़ अ यूनिक प्रोटेक्टेड एरिया वेयर टू मेजर रिवर बेसिन ऑफ द इंडिया आर एनकम्पास्ड, नेमली द नर्मदा एंड गंगेज। 3/4 ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉल्स इन द यमुना एंड 1/4 फॉल्स इन द नर्मदा बेसिन। सो नौरादेही वाइल्ड लाइफ, नौरादेही सेंचुरी मैनेजमेंट हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द इंडियन वुल्फ के लिए ये चूज़ किया था एज अ मोनो नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ड्यू टू इट्स सुपर प्रेडेटरी नेचर। सो ये कुछ साइंटिफिक नेम दिया, आप पढ़ लेना। वाइल्ड लाइफ रिफ्यूजी इज डिवाइडेड इंटू 6 रेंज, मोहाली रेंज, सिंगूर रेंज, मोहली रेंज, सिंगापुर रेंज, छपान रेंज, सारा रेंज, डीगाव रेंज एंड नौरादेही रेंज। सो ये 6 पार्ट यहाँ पे डिवाइड किए हैं। फोना इंक्लूड्स लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, डोलेज जिसे बोलते हैं, नीलगाय, ब्लू बुल बोलते हैं, सांबर, इंडियन वुल्फ, चीता, चिंकारा, स्लोथ, ऐसे सेवरल बर्ड्स यहाँ पे पाए जाते हैं, मतलब स्पीसीज यहाँ पे पाए जाते हैं अलॉन्ग विथ सेवरल बर्ड, मतलब बहुत सारे पक्षियों के साथ में ये बहुत सारे स्पीसीज या फिर ये यहाँ पे पाए जाते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोरा ऑफ दिस जंगल इज टीक, साजा, द ढावडा, भीरा, टीक, साजा, धावड़ा एंड भीरा एट्सेट्रा। ये जो प्लांट स्पीसीज है ये भी पाए जाते हैं, और ये एनिमल स्पीसीज जिसे फोना को बोलते हैं और प्लांट स्पीसीज को फ्लोरा बोलते हैं। सो ये डिफरेंस आप ध्यान में रखना, या आप एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का जो बुक होता है शंकर आयस का, उसमें ये डिटेल में दिया है, आप एक बार जाकर वो पढ़ लेना, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का शंकर आयस का बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप वो बुक पढ़ने के बाद में अगर ये मैगजीन पढ़ोगे तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आपको समझ में आएगा, आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो पाएगा। उसके बाद में हम आज ये ओकुलोडेंटा ट्विस खोंगुरी, ये कुछ इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, खाउंगरी ऐसा है ओकुलोडेंटाविस। सो आप एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करना कि एग्जैक्ट इसे कैसा प्रोनाउंस करते हैं। वाई इन न्यूज़, ये न्यूज़ में क्यों था, द ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है द स्मॉलेस्ट डायनासोर एवर फाउंड। सो एक डायनासोर की प्रजाति है यहाँ पे, साइज ऑफ द मॉडर्न हमिंग बर्ड, जो अभी हमिंग बर्ड है उसके साइज का ये डायनासोर की, स्मॉलेस्ट डायनासोर की स्पीसीज प्रजाति यहाँ पे पाई गई है। और 99 मिलियंस ईयर ओल्डर एम्बर इन द नॉर्दर्न म्यांमार, द फॉसिल्स रिप्रेजेंट द स्मॉलेस्ट डायनासोर फ्रॉम द मेसोजोइक ईरा।
अबाउट 250 मिलियंस टू 65 मिलियंस ईयर्स अगो। फीचर क्या है इस डायनासोर के जो अभी मिला, इट हैड सेवरल शार्प टीथ विच सजेस्टेड इट प्रेड ऑन द इंसेक्ट, इंसेक्ट खाते हैं, अदर स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स। फॉर दिस रीजन द न्यू स्पीसीज हैज़ बीन गिवन द साइंटिफिक नेम ऑफ ओकुलोडेंटाविस कॉन्गारी कॉन्गारी डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड आई टीथ बर्ड, से इसे ये नाम दिया गया। अनलाइक द प्रेडेटर्स इट्स आइज वेयर ऑन द साइड्स ऑफ इट्स हेड विच मीन द डायनासोर हैड अ लिटल और द नो बायनोकुलर विजन। सिग्निफिकेंस क्या है, प्रोवाइड इनसाइट इंटू द हाउ डायनासोर इवॉल्व टू बी स्मॉल शेड लाइट ऑन द लोवेस्ट लिमिट ऑफ द वर्टिब्रेट साइज। सो आज हमने इतना यहाँ पे टॉपिक किए, उसके बाद में हम हमारे पार्ट टू में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, सो हम नेक्स्ट पार्ट में इसे डिस्कस करेंगे यहाँ से। नेक्सस बिटवीन कोरोना वायरस आउटब्रेक एंड पेंगोलिन्स। सो ये हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे ये डिस्कस। आज इतना ही रखते हैं हम। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।